व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज यार मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। गाइस, आप लोगों से बड़ी अक्सर बात होती है इस बारे में कि हम वही चीज़ें करें जो आप लोगों को पसंद है और हम वही करते हैं। तो आज आप लोगों ने बोला था कि यो यो हनी सिंह डे लेकर आओ, तो ले आए हैं। एंड आप लोग हैरान हो गए कि थंबनेल तो ये सलमान खान वाला था। एक्चुअली बात यह है कि आज हनी सिंह के बहुत सारे गाने लाइंड अप हैं, तो मतलब एक एक दो दो तीन तीन घंटे के बाद कोई ना कोई गाना का रिएक्शन ड्रॉप होता रहेगा, तो वो आराम से तसल्ली से बैठ के देखते रहना। एक ये गाना मुझसे मिस हो गया था, तो इसके भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे लोगों के कि यार ये गाना तुमने मिस कर दिया। तो मैंने मिस नहीं, इंटेंशनली मिस नहीं किया, अचानक से गलती से मिस हो गया। एंड बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट सारी पूरी कर दिया करूँ, पर इतना ज़्यादा प्यार करते हो तुम लोग के रिक्वेस्ट ही इतनी ज़्यादा आती है, कभी कभी लेट डिले हो जाता है। यार ये देखो बालों का हाल, इस टाइम इतने लंबे हो चुके हैं ना, धीरे धीरे और बड़े करने, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। बालों लंबे से याद आया, किसी का भाई किसी की जान मूवी का ये सॉन्ग है, लेट्स सी, जी रहे थे हम करके ये गाना है, लेट्स चेक इट आउट। क्या है ये गाना? अरे यार ये हेडफोन क्यों नहीं टिक रहा आज? आई थिंक अब टिक जाएगा, हेडफोन पीछे गिर रहा था। तो लेट्स चेक इट आउट, जी रहे थे हम। मुझे पता नहीं क्यों सलमान भाई की ये लुक अच्छी नहीं लगी, एंड आई लव सलमान खान द वे ही इज़, मतलब सीरियसली पता नहीं ये लुक मुझे कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं खान साहब से। यूं ही बेवजह तुम जो मिल गए तो हम जीने लगे। देखोगे जो अरे यार राघव जुयाल, जस्सी गिल और सिद्धार्थ निगम, भाई साहब क्या फिल्म आ रही होगी ये। पाओगे वहां हर मोड़ पे तो हम तुमसे मिलने लगे। I guess I'm falling in love. इस फिल्म की कोरियोग्राफी को क्या हो गया है? मतलब मैं पहले भी कोरियोग्राफी देख के ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन सीरियसली क्या हो गया? इतना अच्छा गाना है, मतलब प्यारा गाया है, ऑटो ट्यून है। अरे यार मैं मानता हूँ कि गाना समझ आना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए, ऑटो ट्यून डालो या जो मर्जी डालो, लेकिन बहुत प्यारा गाना लग रहा है। गाने के तौर पे गाना बहुत अच्छा है, बट कोरियोग्राफी में क्या हो गया यार? इतनी बढ़िया कास्ट है, यू हैव राघव जुयाल विद यू, यू हैव सिद्धार्थ निगम विद यू, डांसर्स हैं यार ये लोग, सीरियसली। इसमें क्या सलमान भाई बॉडीगार्ड प्ले कर रहे हैं क्या? तेरा ही हो गया मैं, मेरा कुछ ना रहा। जब से तुम मिल गए हो, होश भी अब कहाँ। पहले जो कभी मैंने ना कहा, आज बात वो तुमसे कहने लगे। I guess I'm falling in love with you. I guess I'm falling in love with you. I guess I'm falling in love. I'm falling in love with you. शायद यही है प्यार, और मुझे साथ तेरा इंतजार। I guess I'm falling in love. I'm falling in love. वीडियो कैरिकेचर
बहुत अच्छा एंड दिस वॉज अ सरप्राइज, सीरियसली दिस वॉज अ सरप्राइज के राघव जुयाल इज इन द मूवी, जस्सी गिल इज इन द मूवी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने किस्तों में देखा है इनको, पहले जस्सी गिल देखा, मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैंने देखा सिद्धार्थ निगम, मैं कहा चलो ठीक है टिकटॉक, लेकिन फिर मैंने सोचा राघव जुयाल एंड विथ कम्प्लीटली न्यू लुक एंड लिटरली मतलब भाई कुछ अलग होने वाला है इसमें। जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग, गाना बहुत प्यारा है, म्यूज़िक बहुत अच्छा किया है, आई थिंक अमाल मलिक का म्यूज़िक है और तुम लोगों को पता है कि म्यूज़िक में तो कोई शक होगा नहीं, बहुत अच्छा करता है, अपने काम में अच्छे हैं एंड लिरिक्स भी अच्छे थे शबीर अहमद के। सिंगर सलमान खान, तो गाइस देखो ऐसा है, इस टाइम सलमान खान उस स्टेज पर है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो अपनी क्रिएटिव लिबर्टी उठा रहे हैं, अपना मज़ा उठा रहे हैं काम का, एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट रॉन्ग, एक पॉइंट पे आके बंदे को करना चाहिए, एंड ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। एंड अगर मेरे पास भी एक पॉइंट पे आके ऐसा फील होगा कि हाँ आई हैव दैट मच कि मैं कर सकूँ, हाँ वो मेरा थॉट प्रोसेस है कि मेरे को करना है किसी के लिए, तो मैं वो करने वाला हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम एक लेवल पे पहुँचे, हम लोगों के लिए कुछ करें, तो ये गलत नहीं है कि बीच में अपने लिए भी कुछ करें, तो मतलब वो भी चीज़ है ना। तो खान साहब ने अपना गाना कर दिया, एक आध कर देते हैं यार दो एक दो साल में कुछ, एंड चल जाता है वो गाना बिकॉज सलमान खान का है तो चलेगा ही चलेगा, एंड डिसेंट लगा मुझे गाना, फॉर अ रीज़न लोगों ने पसंद किया है गाने को, नंबर 3 पे ट्रेंडिंग पे लेकर आए हैं, एंड मेरे कहना कह देने या ना कह देने से गाना अच्छा या बुरा नहीं हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली मुझे गाना मतलब वीडियो के हिसाब से ठीक लगा, लेकिन दो चीज़ें मुझे दो चीज़ों में बहुत गड़बड़ लग रही है, एक तो इस फिल्म में कोरियोग्राफी और दूसरी लुक। ये सलमान खान की लुक का जो एक्सपेरिमेंट है ये मेरे को बहुत डरा रहा है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म को हार्म करेगा, एंड इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं भैया रेस्ट इन पीस टाइप फीलिंग आती है उनका नाम सुन के, बंदे का नाम है फरहाद सामजी, एंड मतलब लिटरली क्या ही ज़रूरत थी, डायरेक्टर कम से कम ढंग का ले लो। अब मेरे को डर पता किस बात का लगा हुआ है, हेरा फेरी 3 में इसी डायरेक्टर को लिया गया, पता नहीं क्या करेगा ये आदमी, पता नहीं धड़ल्ले से फ्लॉप दी है, गूगल करके चेक कर लेना, लिटरली बोल रहा हूँ। बट मेरे को दो ही चीज़ों पर डर लग रहा है, कोरियोग्राफी और लुक्स पे, एंड ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, आई हैव टू बी ट्रू टू यू गाइस, तो आई एम बींग ट्रू टू यू गाइस, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप लोग मेरे को बताओ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन बताओ, ओपन है, एवरीवन हैज़ द राइट टू से व्हाट दे वांट टू एंड दे व्हाट दे लाइक टू से अबाउट इट, मुझे डिसेंट लगा एंड सो वी सेइंग इट, ठीक है, बट यार लुक बेटर हो सकती थी, बिकॉज मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मैं सीरियसली चाहता हूँ कि सलमान खान हर फिल्म में अच्छे दिखें, एंड सीरियसली मैं चाहता हूँ कि अच्छे दिखें भाई, ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, बस 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हम, जैसे जैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म अचीव करेंगे, कोई एक अच्छा बजट आएगा अपने पास, तो हम नए सिंगर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएंगे गाइस, तो लेट्स गो फॉर इट, सब्सक्राइब करो।